उसे रंग बहुत पसंद थे। झील, नावे, पहाड़िया। नैनीताल की झील में जिस दिन कुहू डूबकर मरी, उस दिन बादल का ये टुकड़ा अधूरा छूट गया था। जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो मर जाते हैं वो यादों में रहते हैं। यादें जो कभी कभी छलावा बनके भी हमारे साथ रहती है। मैं उस वक्त ऊपर आ रहा था, तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। पापू, पापू मैं इधर हूँ। पापू रुको ना, मैं इधर हूँ। पापू यहाँ हूँ मैं। मौसा मौसी की बेटी कुहू जब नैनीताल की झील में डूबी, तो वो सिर्फ यादों में नहीं, वाकई में लौट आई। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना, कोई रोलर स्केट्स पे हो जैसे। मैं, विधु, प्रबल, अस्मी, जैसे एक कठपुतली के चार धागे। फिल्म स्कूल से निकलने के बाद इन तीनों को एक कहानी की तलाश थी। उस दिन जब मैंने अपने परिवार की ट्रेजेडी इन सबको बताई, तो इन्हें लगा इस पर एक फिल्म बन सकती है। I was against it, क्योंकि असली लोगों की असली जिंदगी पे फिल्म बनाना उनके घर के भीतर झांकने जैसा होता है। मुझे शुरू शुरू में काफी उलझन हुई, पर इन सबके बार बार इंसिस्ट करने पर बिना सोचे समझे मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ी जहां ये सब चलना चाहते थे। इनके पास सिर्फ एक आइडिया था और मेरे पास अपनी यादें कि दूर पहाड़ों पर 56 तालों का एक गांव है जहां कोई मरकर भी नहीं मरा। बटरस्कॉच गिरती ऊपर से नीचे 56 तालों का गांव, हवा चले पकूले जैसी ऊपर अमरतास की छांव। सुन लड़की, सभी मौसम आते हैं धब्बे पांव। रूम नंबर 103। ये What are you smiling at? वो कुछ नहीं, वो तुम्हारी फोटोज देख रहा था जो रास्ते में खींची थी। दिखाओ कौन सी फोटो देख रहे हो। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे कलर करेक्ट करने दो, फिर दिखाता हूँ। हाँ तुम भाड़ में जाओ। अरे सुनो 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 सुनो, ये देखो। बिल्कुल ठंडी किस थी, एकदम बकवास। आई लव यू। दो साल बाद आज मैं फिर से उसी शहर पे, उसी घर में, शायद मैं वापस नहीं आना चाहती थी। वो ये ग्रीन रूफ वाला आउट हाउस, दैट्स वेयर आई फाउंड मानव टॉकिंग टू कुहू। मानव, मानव,
मानव ये लो। ये मेरा। चलो। मुझे लगा ये अपने आप से बात क्यों कर रहा है। It was so hairy. फंस गया। ये तुम हर बार जीत जाती हो। अभी क्या ये हार गया। I can't forget that moment. His face, his eyes, his voice. है कोई यही है? कोई? मम्मा है ना? I don't believe in all this, लेकिन आप जब धुले कपड़ों में फ्रेश लेमन जूस डालती हो ना, I miss it very much. I miss that smell, mama. It's just that मनो को ये सब बातें पता हो ही नहीं सकती. He never cares for honey pancakes या smell in clothes. It was Guhu. I don't know what the hell, but it was. हाँ टेक रोल। आप कुछ भी सुनाइए ना मासी, जो आप गुहू को सुनाती थी अभी। सुनाओ ना एक प्लीज। चंदा मामा चंदा मामा दूर के वो पकाए पूर के eating himself from a थाली को who got your only प्याली गई break पुए को who can't take चंदा मामा दूर It's just that कुहू नहीं है और पता नहीं मानो को भी क्या हो रहा है। कुहू के बाद अब है कौन मेरा मानव के अलावा? मासी प्लीज डोंट क्राई। मासी इधर देखो। मासी वेरी कंफर्टेबल। भटकी दाल। हाँ किसकी दाल? भटकी दाल। इट्स अ लोकल स्पेशलिटी। इट्स मोर लाइक ब्लैक सोया। ये मानो को पास कर दो प्लीज। विदु ले लीजिए। ओए मासा की है। अरे प्लीज यार आई एम स्टार्विंग। नहीं तो ये लो। थैंक्स मानो। दवाई खाई तुमने? अच्छा सुनो जल्दी जाओ, बाहर वाले रूम में टेबल पे रखी हुई है वो ले आना। हाँ और हाँ वो सॉल्ट और पेपर का डब्बा भी ले आना। ये जो तुम लोग बना रहे हो डॉक्यूमेंट्री ना, ये इसमें सिर्फ इंटरव्यू होंगे वैसे ही कुछ ना? नहीं नहीं इट्स नॉट एग्जैक्टली अ डॉक्यूमेंट्री मौसा। वो आपके एक्सीडेंट के बाद कुहू का वापस दिखना, हमें लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इनफैक्ट मुझे दो, हम लोग खाना खा लें, अभी बातें तो होती रहेगी ना। क्या?
क्या इंटरेस्टिंग क्या लगा? मौसा एक्चुअली मौसा ऐसी फिल्मों में ना छोटी छोटी बातें यू नो हमने उस पहाड़ी की पिक्चर्स देखी। विदु मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लूं प्लीज। डायरेक्टर हैं वो, आप कहें। हमारी फिल्म की मेन कहानी एक फैमिली की ट्रेजेडी है। एक बच्ची जब डूब के मरती है और फिर कैसे उसको चाहने वाले इस ट्रेजेडी से डील कर रहे हैं। अरे आपने सिगरेट क्यों चला ली, पहले खाना खा लेते हैं। कब चलना है पहाड़ी पर, खा के चले? अच्छा तो ये है आपका विदु, अच्छा लगा कि तुम यहां वापस आ गई। बॉस मैं नहीं ऊपर जाने वाला, मैं तो डरता हूं यार। आई हैव अ वर्टिगो मैन। अच्छा विदु लिसन, शुड आई आल्सो फॉलो हिम और शुड आई स्टे हियर? नो नो स्टे हियर। ओके या चल। So Manav, that day, how did you fall from here? आज मौसम कितना अच्छा है ना? है ना? मौसा वो तुम्हारा डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम। देखो डिप्रेशन का तो ऐसा है। रोलिंग ये सब बातें इनके सामने करनी है? चिल बाबा डोंट वरी, तुम दोनों को बिना दिखाए ना हम ये फिल्म किसी को नहीं दिखाने वाले, प्रॉमिस। आई एम फीलिंग मच बेटर दीस डेज। She likes that. वो क्या कहते हैं उसको? Pendant. कह रही है कि दीदी बहुत सुंदर लग रही है। क्या हुआ? कोई यही है मेरे साथ? मौसा को क्या वाकई में दिखाई देती है या ये उनके दिमाग का एक फितूर है, ये जानने के लिए मैं इन लोगों को मौसा के साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई। कम बेबी कम, कम कम। मैंने डिप्रेसिव है मानो, वो जब 16 का था तब से ट्रीट कर रहा हूं मैं उसे। इस तरह के जो लोग होते हैं उनके साथ अगर कुछ बुरा घटता है तो वो हेलुसिनेट कर सकते हैं। क्वीन ले ली ना, कवर लेके बता।
चलो लो। हवा में उन्हें चीजें दिखाई देने लगती हैं। मरी हुई बेटी को देखना, इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। ये चीटिंग है। ये क्या है, हर बार तुम जीत जाती हो। पापू। मानव वहां मरने गया था, दैट्स माय ओपिनियन। हैव यू सीन दैट क्लिफ? अरे वहां कोई क्यों चढ़ेगा? सुसाइड करने वाला आदमी कभी ये नहीं बताना चाहेगा कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो बस एक मोमेंट होता है, एक मोमेंट। मुट्ठी खुली गई। सर एक और क्वेश्चन था। या? मौसा जी के एक्सीडेंट के बाद कोई बिहेवियर में चेंज, मेजर एनीथिंग? किस सेंस में? कोई भी सेंस में सर। Anything that was unusual about him? पिछली बार जब वो मुझसे मिलने आया था तो उसने मुझे बताया कि उसे एक गंदी आदत लग गई है, साइबर सेक्स की। साइबर सेक्स? Hey guys, look, look, look. मुझे पता था साला, इसलिए मैंने जगह जगह कैमरास लगा दिए। मानना पड़ेगा। Yes. मानना तो पड़ेगा कि तू बहुत कमीना। साला हट। देखते देख। बस यार विधु, अब वो सोने वाला है। देख कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। कम ऑन, अभी केपीएनसी मत कर यार। केपीएनसी? खोदा पहाड़ निकला चूहा, मौसा जी का। साला तू फिल्म बनाने आके दोस्ती निभाने? हाँ अरे समझ यार, शायद उस दिन प्रबल मेरे लिए खड़ा होना चाहता था, आवाज उठाना चाहता था। Yeah, it's fine. लेकिन विदु, विदु घर के आंगन की दरारों को लोगों के सामने लाना चाहता था। ये ले। अगले दिन हम मौसी की बेस्ट फ्रेंड सारा से मिलने गए। सारा को उसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हुआ करती थी। Hey, hi. I went down beside the lake. I was walking. Then suddenly I realized grass was moving. It's like someone's trying to talk to me. Shayad koi mujhe bula raha tha. Sara aunty. Maybe Kuhu. She was trying to talk to me. मैं उस वक्त ऊपर आ रहा था, तभी मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। मैं वहां खड़ा था। पापू, पापू जल्दी इधर देखो, मैं आपको शूट कर रही हूं। और कोई यहां खड़ी थी, उसके हाथ में कैमकॉर्डर था। मेरी बच्ची मुझे शूट कर रही थी। बताओ कौन सा है? पांच लेटर का वर्ड जिसमें दो लेटर और जोड़ो तो भी रह जाता है शॉर्टर।
अगलम बगलम अगलम बगलम अगलम बगलम अगलम बू शॉट यस अरे शे बिलीव में ये सब हो रहा था ये 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 सच में हो रहा था ये सब अच्छा एक और वो कौन सा वर्ड जो शुरू भी हो इसे और खत्म भी हो इसे लेकिन हो उसमें बस एक ही लेटर ये तो बहुत कठिन है कैसे होगा ये फंस गए ना आप एनवेलप पापू मैं जब घर गया तो मैंने वो फुटेज देखा जो जो कोह ने शूट किया था कैमकॉर्डर पे अंशु ने कहा कि ये पहले का होगा मतलब पहले ऐसा शूट किया होगा और मैं भूल गया होगा इट वॉज फॉर रियल माई माइंड wasn't playing a trick this time. अच्छा दिस इज अ न्यू वन ओके आई एम रेडी शूट अच्छा पापू जो मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं क्यों मैं जीत गई पापू को तो नहीं पता मेरी बच्ची आजा पा पापा पा यू नो कोह की मौत 3 अप्रैल को हुई थी जबकि कैमकॉर्डर पे डेट 27 मई की थी ये यहाँ बैठी थी मैं एक कॉफी मग था मेरे हाथ में और हाँ शायद कुछ पढ़ रही थी मैं मुझे लगा जैसे मैंने कुछ सुना कोई रोलर स्केट्स पे हो जैसे फिर हमारी घर की कहानी बदलने लगी जब सारा ने हमें एक ऐसे आदमी से मिलाया जो इस बात पर यकीन करता है कि जो दिखता है उस पे यकीन मत करो ये ट्रिक है आपको यकीन है कि इसमें से कुछ निकलेगा ये क्या कुछ भी नहीं मजा नहीं आया अभी देखते हैं आया मजा ये कोई भी कर सकता है कोई बाबा मजिशियन कोई भी या आप लोगों में से भी कोई लेकिन जो नेचर करती है वो कोई नहीं कर सकता नेचर से बड़ा कोई जादूगर नहीं एक बच्ची मरने के बाद भी दिखाई देती है तो ये क्या है इल्यूजन या दिमाग भटक रहा है या उसकी आत्मा भटक रही है Am I good?
He's good. Take his help. Take my help. Take my help. He request nahi thi. He aane wali kal ki chetavni thi. जिसे मैं चाहकर भी रोक नहीं पाई। सारा और आयाम ने मौसी को समझाया कि जो उस पार चले गए हैं उससे बात करो, पूछो अपनी बेटी से कि वो क्यों रुक गई है तुम्हारे पास। कुछ भी मोमेंट, कुछ भी लगे, टिल्ट योर एंगल्स, वी हैव कैमरास एवरीवेयर, टॉप लेफ्ट बैक, सो डोंट वरी अबाउट दैट, मेक श्योर वी कवर एवरीथिंग, या यू जस्ट कीप योर फोकस परफेक्ट, डोंट मिस एनीथिंग। Okay. Okay. Masa Masi, we are ready. Okay. आप दोनों यहां अपनी उंगलियां रखें। आपकी बेटी आपसे विदा ले चुकी है, लेकिन वो आपसे दूर नहीं गई है। क्या आप उससे बात करना चाहेंगे? बोल। हाँ, को यहां नहीं बुला सकते, लेकिन उसकी आत्मा यहां आ सकती है। वो नहीं आएगी अगर वो नहीं आना चाहती। वो तो पहले भी कई बार आ चुकी है। बेटा, बेटा तुम उससे नाराज है क्या? हाँ, तुमसे हूं। आई ओके? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है मम्मा। कु मम्मा, क्या हुआ? कु मम्मा, कु अधूरी बातों में बहुत कुछ कह दिया था, किसी और को समझ में आए या ना आए, लेकिन मैं शायद समझने लगी थी। कुछ भी हो यार, पर आप बारह असली मजा अब बन रही है अपनी स्टोरी। By God, this planchet thing really worked, नहीं? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगता है कि? पर साला एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये कुहू मानव के बारे में क्या बताना चाहती थी, और ये दरवाजे के बाहर था कौन यार? पता नहीं मेरी मासी मौसा के साथ ये सब क्या हो रहा है। I can't see them suffer so much. चले।
टेक केयर। सारा का कॉल था, आयाम हमसे मिलना चाहता है, अर्जेंट। आई गेट रेडी। हाँ ये इसकी आंखें हैं। मेरी आंखों में कितनी पुतलियां हैं? दो, एक इधर एक इधर। लेकिन इसकी दोनों आंखों में दो दो हैं। कैन यू सी इट? कैन यू? हाँ, डच एंगल। अच्छा, और थोड़ा बस थोड़ा टेल डाउन, परफेक्ट। विदु को लगा कि अगर आयाम की बात सही है तो बस एक ही तरीका है। हाँ चल रहा है ना, छिपके ताका झांकी। और फिर उसने मुझे बिना बताए पूरे घर में कैमरे लगाने शुरू कर दिए। पिछले 3 साल से हमने हमने सेक्स नहीं किया। वो मानव को कुछ, वो थोड़ा दूर भागने लगा था एंड आई कुड फील इट। बुरा लगता है ना थोड़ा, रिजेक्शन इज नॉट अ गुड फीलिंग। आई थिंक इट्स गुड, इसको हल्का सा हिला दो। अब ठीक है? क्या हो रहा है ये सब? What's happening? उठना। कैमरास लगा रहे हो? बेडरूम में यार ये मेरा। कोया? It's my bedroom, कोया। अरे? You can't do this. I'm sorry, मासी। अरे क्या कर रहे हो यार तुम? और तुम मुझसे पूछ यार, कैमरा इधर रूम में। कमाल। अब I'm sorry. Trust me. It won't happen. You better be careful about this. Don't worry. प्लीज आउट, डोंट वरी, अंदर आउट। जा रहे ना यार। अब सी, मुझे तो खुद भी आइडिया नहीं था, बट आई एम सॉरी। अब यहीं खड़े रहेंगे? व्हाट इज दिस यार? कू अगर रात में देखेगी ना तो 100% उनके बेडरूम में जरूर जाएगी। हाँ यार, हम थोड़ा सा पहले लगा देते ना तो हमें देख नहीं पाती। नहीं That's not fair. उसका बेडरूम है वो। ओए होए, मोरालिटी के 14वें अवतार प्रबल शर्मा, कोर्स पूरा करके ना राम से ना ज्वाइन कर लियो तू। अच्छा? Excuse me, everything is fair in love and filmmaking, ठीक है? अरे भाई, कोया मानेगी ही नहीं। तो कोया को बताएगा कौन? सुन, GoPro, हेलीकॉप्टर, careful. Oh, it's actually working. This is good. Yeah, this is okay, good. Okay, let me be focus. Careful now. Yes. We are going to get this code. Go. Yes. Go. Gaya. Hey, careful. Yeah. I'm doing it. Yes. Yes. Oh, Gaya, done. Oh, yes. Got this. Okay. He got this. Hey, Vidhu. Yeah. Come. Look at this. Okay. Bedroom. I am doing it. Go.
We got it. Yes. Keep it steady. Vidhu, that's it. But... It's working. Okay, keep it steady, Vidhu. I am. Wait. Why is he walking towards us? Let me focus. Vidhu, is he looking at us? Shit. Tum theek to ho na? Who is he talking to? That is so freaky. पर्सनल लाइफ फॉर गॉड सेक उनकी पर्सनल लाइफ का हमें क्या करना है को यार अरे भाड़ में जाए हम लोग तो यहाँ पे कुएं के लिए आए और तुम स्टॉप लाइंग विदु हाँ स्टॉप लाइंग तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो मुझे भी पता है जब से तुमने फुटेज देखी होगी ना फुटेज पागल हो गए हो तुम कौन सी फुटेज को है एज इफ यू डोंट नो विदु मासी वाली फुटेज की बात कर रही हूं मैं क्या था उस फुटेज में कोया क्या था उस फुटेज में आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग दिस कोया तुमने ये फुटेज देखी वो आदमी देखा कोया वो क्या कर रहा था रात को 1 बजे वहां पे इजंट इट ऑड डूड आई एम टेलिंग यू दैट हाउस इज हॉन्टेड यू नो व्हाट दैट्स इनफ नाउ स्टॉप इट नाउ ओके एंड विदु दिस इज नॉट द वे टू मेक अ फिल्म ओके अब 3 साल के कोर्स के बाद कोया जी हमें बताएंगे कि फिल्म मेकिंग कैसे होती है प्लीज गिव मी अ ब्रेक कोया यू नीड अ ब्रेक राइट विदु यस देन टेक अ ब्रेक गेट लॉस्ट पता नहीं whether I should say this to you or not, but I know, Prabal. मुझे इस फिल्म के लिए हाँ ही नहीं बोलना चाहिए था नहीं यार ऐसी बात बिल्कुल नहीं है देख विदु इज माई बेस्ट फ्रेंड और तू भी लेकिन हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो यार सी आई नो कि विदु इज पैशनेट अबाउट हिज वर्क और पैशनेट होना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उन लोगों का साथ ना दो जिन्होंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और उनके इमोशन के साथ खेलो आई पर्सनली फील इट्स रियली स्ट्रेंज थैंक्स प्रबल यार हाँ दिस इज नाइस ना कहाँ गए थे कहीं नहीं
प्रबल, अबे खोल, Is he sleeping with both of you? Huh? Morality. Ethics. Ethics. Huh? Huh? Ethics. तू बात करती है ना कोया? बोल, तू बोलती है ना? क्यों? मौसा, तू करती है ना? तू कल बात करना उससे, मौसा के साथ करती है ना? तू हाँ विधु, सोती है ना? तू बोल विधु, स्लीप विद हिम? हाँ कल बात करना उससे, कल बात करना, क्या कल बात करना? विधु स्टॉप इट, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? विधु चलो, मोरालिटी चलो, विधु जा रहा हूँ, मैं आई एम गोइंग, चलो ले अपनी मोरालिटी, चलो विधु क्या कर रहे हो यार? योर मोरालिटी विधु, टॉक टू द बॉस, जस्ट गेट आउट नाउ विधु, आई सी टू इट, गेट आउट, मोरालिटी. I'm sorry. कभी बात करने का मौका ही नहीं मिला, कोया ने बताई होगा कि वो और मैं, पता है मुझे, नाइस. वैसे कोया उधर, आप इधर, मिस तो करते होंगे कोया को? हाँ कोया आपको मिस करती है वैसे? अच्छी लड़की है कोया. रियली? इसकी तो यार विधु, वो कल रात को, आई एम सॉरी यार. यार मेरी बात तो सुन. अरे विधु, इसमें मेरी क्या गलती है यार? तू नाराज क्यों हो रहा है? सुन, एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद तू जो बोलेगा. भूतनी के, तू कोया के चक्कर में मत आ जाइयो. याद रखना बहन के, दो दो लौंडे एक साथ एक ही घाघरा नहीं पहन सकते, समझा? मातर जात.
हाय। वो मौसा के इंसेस्ट वाली क्या बात कर रहा था विदु कल रात? मौसू मौसू मौसू, आर यू ऑल राइट? क्या हुआ है मौसू? मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला कब कुहू नाव से निकलकर पानी में गिर गई। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, सच कहता हूं मैं, सच कहता हूं मैं। मौसू प्लीज, अंशु को लगता है मैंने कोशिश नहीं की। कोई अपनी बच्ची को कैसे मरने दे सकता है? पाप हूं मैं उसका। आप मत सोचा कर उन सब के बारे में, प्लीज स्टॉप थिंकिंग। सॉरी, चेयर अप नाउ। आई एम सॉरी। चलो नीचे चलते, सब नीचे वेट कर। चलो उठो उठो, चलो ना। यू नो व्हाट इज फ्रस्ट्रेटिंग, अंशु स्टिल थिंक्स कि मैंने कोशिश नहीं की। नहीं मौसू, वी ऑल अंडरस्टैंड यू, प्लीज अब ऐसा मत सोचा करो। मासी की भी सोचो ना, वो भी तो बहुत अपसेट है। एंड वी ऑल नो यू मिस गू सो मच, वी ऑल मिस हर। आप इतना अपसेट मत रहा करो ना मौसू, प्लीज प्रॉमिस मी। मौसू क्या कर रही है मौसू? मौसू लीव मी मौसू, क्या कर मौसू प्लीज, नहीं मौसू, नहीं जी। असु, व्हाट द हेल? असु, I'm sorry about last night. कुछ कहा उसने? या शी इज अ मैच्योर गर्ल, आई स्पोक टू अस्मी, सी इट वाज जस्ट दैट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टीज विद यू। अच्छा, ये जो मानव की सेक्स हैबिट चेंज हुई हैं, विदु ने जो रात को शूट किया था, आई सॉ द फुटेज दिस मॉर्निंग, आई वाज जस्ट क्यूरियस कि इस फुटेज में है क्या। पहले मानव का मन नहीं लगता था सेक्स में, लेकिन कल तुमने देखा वो मासी सो रही थी और मानव, और उसकी फिर वो साइबर सेक्स वाली। प्रबल, कैन वी प्लीज नॉट गेट देयर? हम इस बारे में बात नहीं करेंगे।
विधु तू गलत मत समझ यार। कोया सिर्फ तुझे टीस करने के लिए प्रबल को किस कर रही थी। एंड व्हाई इज दैट? क्योंकि वो चिड़ी हुई है तुझसे। लिसन, शी फील्स कि तू उसकी मौसी और मौसा की पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है। पर मैं तो सिर्फ सच के लिए कर रहा हूं ना। देख, अगर ऐसा डायरेक्टर मुझे लगता है और जनरली मुझे लगता है कि कुहू की इस कहानी की असली जड़ अंशु और मानव है, तो मैं क्या करूं बता? And I feel, कोया और मानव के बीच में कुछ है, जरूर कुछ है। विधु, I don't know, मुझे ये I don't know तू इसे कैसे लेगा, but I went to Koya's room और she was in the shower, उसका फोन बजा, मानव का मैसेज था, आई मीन इट वॉज अ मैसेज, और मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देख लिया, सो क्या था उस मैसेज में? यार कुछ अजीब सा था, इट रेड समथिंग लाइक रोजेज आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, Do you miss the pain I gave you? चल तैयार हो जा। क्यों? मुझे कुछ लोगों से मिलना है और प्रबल की जगह तू कैमरा ऑपरेट करेगी। प्रॉमिस यू डोंट हैव टू टेल दिस टू कोई और प्रबल। ओके यार। ओके ओके फाइन। या चलो। Are you mad? Koya और मानव का? But Sara, I was there. No, I can't believe it. मानव is like a father to Koya. Believe me, Sara, I was there. मैंने खुद, I've seen it. एक second. जैसे पहले कभी मानव ने सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया? But after his accident, he started smoking. But smoking का possession से क्या लेना देना है सारा? He used to hate smokers. किसको फोन कर रहा है? I am. I got it. Very good. सीता माता वीडियो गेम खेल रही है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग शॉट दैट वुड बी। कौन सा गेम खेल रही है बेटा? द प्रिंसेस एंड द वॉरियर। प्रिंसेस एंड द वॉरियर, वेरी क्लोज। हमारी रामलीला में जो बंदा राम का रोल करता है ना, वो भी वॉरियर है सर। क्या है, हर साल हमारी सीता बदल जाती है और वो हर साल नई सीता के प्रेम में पड़ जाता है। लेकिन उसे प्रपोज आज तक सिर्फ सूरपनखा ने किया है। नहीं जी। सर, अगर मानव को किसी ने पोजेस किया है तो उसे अपनी बेटी कैसे दिखाई देती है? कोई जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो जो इंसान है वो ऐसा
ऐसा नंगा नाच करे कि आपकी आंखों को देख के लगे कि भाई इसके ऊपर तो कोई चढ़ा हुआ है। ये जो आपके अंदर है ना, सामने आने से डरता है। क्या है वो? तो मर चुका है ना, और अब वो आपकी बॉडी में घुस गया तो वो तो मजे उड़ा रहा है हाँ? कि उसको मरने के बाद भी एक बॉडी मिल गई जिंदगी जीने के लिए, तो वो किसी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना क्यों चाहेगा? क्या सोच रहे हैं? यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सारा ये आयाम। अगर इनकी बात माने तो सब क्लियर। कुहू का दिखना ये उस आदमी का नाटक है जो मानव के अंदर घुस गया है और वो खुद सामने नहीं आना चाहता है। कुहू, सिगरेट, सेक्स। ऑल क्लियर मिस्ट्री सॉल्ट। लेकिन कोया ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? कैसा क्यों कर रही है? वो अपने कपड़े ठीक करती हुई मौसा के कमरे से बाहर निकलती है। क्या कर रहे थे दोनों कमरे में? लेकिन वो मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करती। एंड देन शी किसेस माय बेस्ट फ्रेंड विधु। दिमाग खराब हो गया था उसका? कहता हूँ इंसेस्ट है उसका मौसा के साथ। अरे लड़कियां ऐसी ही होती हैं यार विधु, दे नेवर टॉक अबाउट दीज थिंग्स। घंटा मी एंड कोया, यू नो इट वेरी वेल, वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग, एटलीस्ट यूज्ड टू। तब से मुझको तू मेरा ही बनेगा, बेबी यू बिलोंग विद मी। थोड़ी सी बेचैनी है दिल में, हर चल मची है तुझको है बस अपना, यू फाइन यू माइन। जान बन जाओ तेरी, हाँ तेरी।
सते कह रही तुझे फील करूं तेरी खुशबू चूम लूं तुझे छू के यूं लगा मैं तुझ में ही खोया हूं कहीं नाराज है? अच्छा एक बात बता, सच सच बताना, कभी कुछ छुपाया मैंने तेरे से? कोई भी वट एवर इट इज, कुछ भी बात है मैंने तेरे से आज तक शेयर की है और तूने भी की है, तो फिर आज क्यों? कम टू द पॉइंट विदु। देख मानव, ये मौसा के साथ जो कुछ भी है तेरा, तू बता सकती है मुझे? यू कैन शेयर इट विद मी, बता दो, ट्रस्ट मी आई विल फॉरगिव एवरीथिंग। कोई आप तू तो जानती है आई लव यू, है ना? और यू नो मेरे लिए आवर रिलेशनशिप मैटर्स द मोस्ट, तो देख मैं नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप में ना कोई भी सीक्रेट हमारा रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी इन बिटवीन अस। तो यू नो व्हाट, यू आर सिक विधु। I am sick. और साला उसका क्या, तेरा मौसा? हाँ? तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? I don't know anything, right? साला इधर उधर मुंह मारते फिरता है, पूरा चिट्ठा निकाल के रखा है उसका मैंने। Freaking sick. Koya, what happened? Koya, is everything okay? Koya. कोया, अभी जो विधु ने कहा रूम में मौसा के बारे में, क्या वो? प्रबल प्लीज, आई डोंट वांट टू आंसर यू ऑन दिस। मुझे विधु की फिल्म की एक और कैरेक्टर नहीं बनना है, दैट्स इट। क्या तुम मुझे सिर्फ यूज कर रही हो अपनी और विधु की लड़ाई में? मौसा का किसी के साथ एक लड़की थी, I don't know for sure ये अफेयर था या सिर्फ लस्ट। मौसी 3 दिन के लिए बाहर गई थी लेकिन वो दूसरे ही दिन लौट आई। Ah!
की डेथ के बाद मौसा का इस तरह से धोखा देना, मासी को मौसा पे पहले से ही डाउट था दैट ही इज हैविंग एन अफेयर. यू नो, हर वक्त अपने साथ फोन को कैरी करना, मैसेजेस आए तो उसे डिलीट कर देना, चैट करना हो तो कमरे का दरवाजा बंद कर देना, थिंग्स लाइक दैट. तुम्हें ये सब पता था तो तुमने हमसे ये सब शेयर क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रबल, ये सब हमारी फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था. जहां तक मानव की अफेयर की बात है, आई एम टेलिंग यू, एक्सीडेंट के पहले तक वो ऐसा नहीं था. ही वॉज अ वन वुमेन मैन. एक्चुअली कुछ दिनों पहले हम मानव के साइकेट्रिस्ट से मिले. उसने हमें बताया कि उसका पहाड़ी से गिरना एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज अ सुसाइड अटेम्प्ट. वॉट? Suicide? But I don't know anything about it. Beautiful. Magical jagah hai. Aisa lagta hai ki उस तरफ चले जाओ तो वंडरलैंड शुरू हो जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा, कोई झंझट नहीं वहां, कोई दुख नहीं, है ना? कभी कभी इच्छा होती है कि अगर मैं मरूं तो इसी जगह आके मरूं. I'm sorry. वो उस दिन रात में, but we completely agree with you. अब मिट्टी, एक सवाल था. आप ये yeah. आप लोगों का फार्म हाउस काफी खूबसूरत है, तो आप लोग आते होंगे यहाँ पे अक्सर? आई मीन कुछ खास सिग्निफिकेंस रही होगी इस जगह की आप लोगों के लिए? हाँ, मानो को ये जगह बहुत पसंद है. मैं वहां जाके प्रार्थना करता हूँ, इबादत. कहता है व्हेन एवर ही कम्स हियर ही फील्स रिचार्ज्ड. कुछ तो बात है उस जगह में. ही कॉल्स इट इज मैजिक लैंड. मेरी प्रार्थनाएं, मेरी इबादत, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होते, ऐसा कभी हुआ नहीं. पर वहां जाके लगता है कि कैसे सपने, कैसी मन्नतें. क्यों चाहिए सब?
Hi. 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 Please come. Please come. Yeah. Hi. Hi. It's me. Yeah. Okay. आपके हस्बैंड नहीं आए? वो थोड़ा अच्छा ही हुआ नहीं आए, मेरे लिए अच्छा हुआ. प्लीज बी सीटेड, प्लीज हैव अ सीट. कह ही झूठी पूरी बात तो बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई. हम हूं कह भी अब ठकुर सुहाती, ना ही तो मौन रहब दिन राती. मंथरा कहती है कैकई से कि जो सब मीठी मीठी सुननी हो तो फिर चुप ही रहना अच्छा. बोलो आगे. ओके. वो उस दिन जब मानव गिरा था पहाड़ी से, उस दिन आप लोगों के बीच झगड़ा हुआ था. हुआ था, झगड़ा हुआ था. अंशु, मैंने कोशिश की थी. कोशिश? I'm tired of this. What कोशिश? कहाँ है तुम्हारी कोशिश है मानव? I can't see them. You're always in your dream world, मानव. Do you even realize that? Maiko, who died that day, मानव? You're a failure. You've been a failed father. You've been a failed husband. And you don't even have an idea. कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहना क्या होता है. और फिर मानव आपको छोड़ के पहाड़ी की ओर चल पड़ा. ये सच नहीं है. कही ही झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई. दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज ट्रू. अगर मानव पहाड़ी से एक्सीडेंटली गिरा होता तो उसकी सोल कमजोर नहीं होती. वो मरना चाहता था. That's not true. वो मरना चाहता था क्योंकि उसकी आत्मा कमजोर थी. और ये जिसने भी उसे पजस किया है, ये वही आदमी है जो उसे मरा वहां हॉस्पिटल में. That's not true. Anshu. Anshu. That's not true. Shh. मानव को अधमरी हालत में रामजे हॉस्पिटल लाया गया. डॉक्टर्स ने तो जवाब ही दे दिया था, लेकिन वो जल्दी ठीक होने लगा. रामजे हॉस्पिटल जाइए, आपके सवालों के जवाब वहां इंतजार कर रहे हैं. Excuse me. उस रात 3 लोगों की मौत हुई थी. पहले हैं
थे राजेश पंत, वो काफी समय से एज 47 और हॉस्पिटल में एडमिट थे। गलत ट्रीटमेंट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से उनकी अकस्मात मौत हो गई। दूसरा पेशेंट था इशरत खान, एड्स। हमें तो पहले पता ही नहीं लगा, जब हमने उन्हें डॉक्टर साहब को दिखाया तो पता चला कि वो HIV पॉजिटिव थे। उनके बाल झड़ने लगे, उनकी स्किन भी खराब हो चुकी थी और लास्ट स्टेज थी। और तीसरे थे अभय बिष्ट, 41 ईयर्स। बहुत अच्छे से जानती थी मैं उन्हें, एकदम बच्चों जैसा फेस था। यहाँ मल्लीताल में एक पेट्रोल पंप भी है उनका, पता है एक बार तो मेरी लूना फुल करा के बोले, आज मैं बहुत खुश हूँ, पैसे नहीं लूंगा। पता नहीं इतने अच्छे इंसान का मर्डर किसने और क्यों किया होगा। गाइस, आई थिंक कि अगर मौसा को किसी ने पोजेस किया होगा तो वो अभय बिष्ट होना चाहिए, राइट? क्यों? क्योंकि उसका मर्डर हुआ था, एंड दे से दैट जिसकी अननेचुरल कॉज से डेथ होती है उसी की आत्मा भटकती है। पॉइंट। लेकिन मौसा को ही क्यों पोजेस किया? आई मीन हॉस्पिटल में और भी तो लोग होंगे ना। गुड क्वेश्चन, मौसा को ही क्यों? क्या पता उनका बेड आसपास हो। हाँ, आत्मा का तो आलस आता होगा ना चलने में, इसलिए जो उसे आसपास देखा उसमें घुस गई। यार तू हर बात को फॉरगेट इट। एक काम करते, मौसी से ही पूछ लेते, हो सकता है वो लोग अभय बिष्ट को जानते हो। चलें। तुम लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है। The only thing you all care about is this freaking film, right? तुम चाहते क्या हो विदु? अरे, don't you even care about the fact कि तुम लोग किसी की इमोशंस के साथ खेल रहे हो? यार मेरे मौसा मौसी है वो लोग। Excuse me, हम लोग ना सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। कोई शौक नहीं हमें किसी को फालतू में स्ट्रेस देने का। और दिमाग ना तुम्हारा खराब हो गया। बहुत दिनों से नोटिस कर रहा हूं मैं, बात बात पे शुरू हो जाती हो तुम। आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम क्या चाहते हो? परेशान करके रखो मेरे मौसा को, मार डालोगे क्या उनको? उनको भी मार दो, मुझे भी मार दो, लो। तेरी पूरी फैमिली में ही प्रॉब्लम है, एक से एक बढ़ के नमूने भर रखे हैं। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पता नहीं मुझे तुमसे कहना चाहिए नहीं कोया। आई लव यू। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। असु, असु गुस्सा है? असु। गुस्सा है? Is that bloody camera of yours on? यार क्या हो गया तुझे, बता तो सही। तू कोया से पूछ रहा, वो है ना तेरी फिल्म की हीरोइन। अबे यार देख, तुझे याद है तूने कहा था मैं स्मार्ट गया, राइट? तो अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं तुझे छोड़कर कोया को हीरोइन क्यों बनाऊंगा? अरे यार, शी स्टडिंग माइक्रोबायोलॉजी, गॉड नोज व्हाट दैट शिट मींस। और तू पढ़ रही है फिल्म मेकिंग। देख तू क्यूट है, टैलेंटेड है, कल को फिल्म बनाएगी, मुझे काम देगी, तो मैं तुझे छोड़कर उसे हीरोइन क्यों बनाऊंगा? तो क्यों घूमते हो तुम रात रात भर उसके साथ? यार मेरी फिल्म के लिए और क्यों,
क्या फंडा है तुम्हारी फिल्म का? Why am I the last one to know everything? देख, चल, सुन सुन सुन, इधर देख, फिल्म छोड़, हमारे फंडे की बात करते हैं। Do you love me? Do you? I like you in every way. You like me. You like me. Back off, Prabal. तेरी आंखों में है बेटा. You are in love with Koya. Listen, listen. I don't love her. विधु और रश्मि अपनी खोज में उस पुलिस वाले से मिले जिसने अभय बिष्ट का केस इन्वेस्टिगेट किया था, और भी कुछ लोगों से मिले जो अभय बिष्ट के करीब थे। सबकी उसके बारे में अलग अलग राय थी। अब मुझे हर पल इस बात का एहसास होने लगा था कि मैं इन्हें यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। तो फिर उसको किसी ने मारा क्यों? किसी ने इस पत्थर से सर फोड़ दिया था इसका। जब एक अच्छे आदमी का मर्डर होता है तो सबसे पहले उसकी पर्सनल लाइफ देखनी चाहिए। पुलिस वाले ना ऐसे ऐसे सवाल पूछे ना, यू वुड बिलीव कि मेरा किसी और के साथ, आई मीन कम ऑन। लेकिन हाँ, उनकी एक बहुत ही अनोइंग हैबिट थी, हिज स्मोकिंग। ही हैड अ यूनिक स्मोकिंग स्टाइल। जरा अपनी सिगरेट देंगे प्लीज आप? ओके, हियर। बड़ा मजा आता था उन्हें ऐसे पीने में। अच्छा, अभय की डेथ के बाद क्या कभी आपने उन्हें अपने आसपास महसूस किया? What? Vidhu, enough. Prabal, back up. Back up? Ask me. No more shoot now. अब Vidhu, I thank you very much for your time. We are really sorry. Should I stop shooting? Excuse me. What the hell you think you're doing? What the hell are you doing? This is my film. I'm taking the interview. Who the hell are you to interrupt in this? Who the hell am I? Yes. Who the hell are you? You be in your limits. Understand? You be in your limits. Be in your limits. विदु, मेरी बात तो सुन। यार तू ऐसे कैसे जा सकता है यार फिल्म छोड़ के? हो जाता है यार गुस्से में, छोड़ना। बैंड के टके, फिर से दिखा ना तू ये अपनी दुकान के साथ, तो साले तेरे को भी तोड़ूंगा और तेरी दुकान को भी। चल तैयारी कर, दिल्ली जा रहे हम लोग। चलना नहीं है, यही रहना है कोया के साथ। चलो, चाहे रुको, आई डोंट गिव अ डैम एनीमोर। फ्रॉड साला, तेरे जैसा फ्रॉड मैंने आज तक नहीं देखा प्रबल। डू यू लव मी माय फुट? सब लोग जा रहे हैं और मैं भी। ठीक है कोया, फिर मिलते हैं दिल्ली में।